हाय एवरीवन दिस इज शमा हमारा जो टॉपिक है वो है मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंडर सेक्शन 115 सौ के अंदर डिफाइन है इसके सारे प्रोविजंस भी इसी सेक्शन के अंदर डिफाइन है जो ये कॉन्सेप्ट है वो कंपनीज़ के लिए लाया गया था इसलिए ये सारी टाइप की कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है ऑल द कंपनीज़ वेदर प्राइवेट और पब्लिक इेस्पेक्टिव ऑफ वैदर इंडियन डोमेस्टिक फॉरन आर लाइबल टू पे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी बिजनेस कर रही है चाहे वो डोमेस्टिक है फॉरेन है प्राइवेट है या पब्लिक है या फिर इंडियन है सभी कंपनीज़ को मैट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ता है इसमें कुछ एक्सेप्शन है तीन टाइप की जो कंपनी हैं उनके ऊपर मैट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है पहली कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो कंपनी लाइफ इंश्योरेंस बिज़नेस करती है उनके ऊपर मैट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है उनके लिए एक सेपरेट सेक्शन बनाया गया है 115 बी इसी सेक्शन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करती है दूसरा बिजनेस है शिपिंग इनकम बिजनेस जो कंपनी शिपिंग बिजनेस करती हैं उनके ऊपर भी मैट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है वो अपने टैक्स लाइबिलिटी टर्न एज टन स्कीम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करती हैं कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर इसी स्कीम के ऊपर और शिपिंग इनकम बिजनेस कंपनीज के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर दिया गया है उसके अंदर सारे प्रोविजंस भी मैंशन है कि किस तरीके से जो शिपिंग इनकम बिजनेस है वो अपने टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और थर्ड आती है डोमेस्टिक कंपनी विच हैव ऑप्टेड फॉर टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन एक सौ पंद्रह बी डबल ए और सेक्शन एक सौ पंद्रह बी ए बी जो डोमेस्टिक कंपनीज इस टैक्स रिज़ाइम को ऑप्ट कर लेती हैं कि जो वो अपने टैक्स लाइबलिटी है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन एक सौ पंद्रह बी डबल ए और सेक्शन बी ए बी के अकॉर्डिंग ही पे करेंगे तो उनके ऊपर जो है मैट का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है और उनके टैक्स लाइबलिटी इन दोनों सेक्शन के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट की जाती है तो याद रखना तीन टाइप की कंपनीज हैं जिनके ऊपर मैट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है पहली कंपनी होती है जो कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में इन्वॉल्व होती है दूसरी कंपनी है जो कि शिपिंग इनकम बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होती है और तीसरी आती है डोमेस्टिक कंपनी जिन्होंने इन दोनों सेक्शन के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट डिजाइन को अडॉप्ट किया होता है तो ये हमने पढ़ लिया है कि जो मैट का कॉन्सेप्ट है वो कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है और कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है अब मैट क्या होता है वो पढ़ते हैं मैट और मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इज अ प्रोविजन इन अ डायरेक्ट टैक्स लॉ जो मैट का कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट टैक्स लॉ के अंडर आता है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो दो तरीके से टैक्स चार्ज करती है एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट तो जो मैट का कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट टैक्स लॉ के अंडर आता है टू लिमिट टैक्स एग्जेपन्स अवेल्ड बाय कंपनी सो देट दे पे कंपल्सरी मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट ये एक डायरेक्ट टैक्स लॉ के अंडर कॉन्सेप्ट है और ये क्या करता है जो एग्जैम्पन्स कंपनी अवेल करती है उनकी एक लिमिट फिक्स कर देता है कि इससे ज़्यादा जो कंपनी है वो एग्जैम्पन नहीं ले पाएंगी और उनको एक मिनिमम अमाउंट तक जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे करना होगा सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं फिर उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैथ का जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्यों लेके आए थे और किस लिए मैथ का कॉन्सेप्ट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है कॉरपोरेशन टेक एडवांटेज ऑफ वेरियस प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बाई क्लेमिंग डिडक्शन एग्जेंप्शन डेप्रिशन एक्सेट्रा टू रिड्यूस देअर टैक्स लेबिलिटी जो कंपनी है ना वो क्या करती थी जो इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं जैसे कि डिडक्शन्स हो गई एग्जेंशन हो गई डेप्रिशंस हो गई तो इनके थ्रू ना कंपनीज अपनी जो उनका प्रॉफिट है उनको बिल्कुल कम कर लेती थी जिससे कि क्या होता था कि वो टैक्स ब्रैकेट के अंदर नहीं आते थे और वो टैक्स पे करने से बच जाते थे बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो कंपनीज है वो इनकम टैक्स के प्रोविजन का यूज टैक्स की चोरी करती थी मैट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय फाइनेंस एक्ट 1987। जो फाइनेंस एक्ट 1987 है उस एक्ट में मैट को इंट्रोड्यूस किया गया था किस लिए टू इंश्योर दैट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड मेड इफेक्टिव फ्रॉम असेसमेंट ईयर नाइनटीन से लेकर नाइनटीन में और साथ में जो मैट का कॉन्सेप्ट है वो ये इंश्योर करता था कि जो कंपनी है वो मिनिमम अमाउंट का टैक्स जो है वो पे करेंगे गवर्नमेंट को फर्स्टली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस एक्ट के द्वारा 1987 में और इसको इफेक्ट में लाया गया था असेसमेंट ईयर 1988 से लेकर 1989 में बट लेटर इट वॉज विन बाई फाइनेंस एक्ट नाइनटीन जो नाइन जो उन्नीस सौ नब्बे का फाइनेंस एक्ट था उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को विद्रॉ कर लिया गया था बट इसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस भी किया गया था और वो कब किया गया था एक अप्रैल उन्नीस सौ में तो ये मैट कॉन्सेप्ट का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप इसको चाहो तो याद रख सकते हो 1987 फाइनेंस एक्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लेकिन 1990 में फिर से इसको विड्रॉ कर लिया गया था लेकिन 1997 में इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया था एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ मैट ऑल द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू पे कॉरपोरेट टैक्स हायर ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोविजन अब जो कंपनीज हैं वो मैट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से टैक्स पे करती हैं देखो जब भी कंपनी को टैक्स लेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं ना तो हम दो तरीके से करते हैं और फिर उसमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट जिसका होता है उस वही अमाउंट जो है कंपनी पे करती है एज अ टैक्स लेबिलिटी पहले हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल टैक्स लेबिलिटी जो नॉर्मल टैक्स लाइब्रिटी है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है इनकम टैक्स के अंदर जो प्रोविजन दिए हैं उनको अप्लाई करके हम जैसे नॉर्मली कंपनीज की टैक्स लाइब्रिटी निकालते हैं ना इनकम निकालते हैं उस तरीके से ही टैक्स लाइब्रिटी कैलकुलेट की जाती है

टोटल आता है, है, उसको हम इस टोटल से से कंपेयर करते हैं, और इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होता है, वही कंपनी को टैक्स लाइबिलिटी पे करना पड़ता है अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही बताऊंगी कि किस तरीके से हम जो है मैट को कैलकुलेट करते हैं उसके लिए मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लिया है उससे पहले हम लेकिन सरचार्ज जो रेट होता है वो क्या होता है वो देख लेते हैं डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर जो आपके टोटल इनकम या बुक प्रॉफिट एक्सीड कर जाता है वन करोड़ को लेकिन दस करोड़ से कम है तो आपके ऊपर लगता है सेवन परसेंट सरचार्ज और अगर आपके जो टोटल इनकम या बुक प्रॉफिट है वो दस करोड़ को एक्सीड कर जाता है तो उसके ऊपर लगता है ट्वेल्व सरचार्ज यह था डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है तो अगर आपकी इनकम या बुक प्रॉफिट एक करोड़ से ज़्यादा है लेकिन दस करोड़ से कम है तो उसके ऊपर टू परसेंट से सरचार्ज लगता है और अगर आपकी टोटल इनकम और बुक प्रॉफिट दस करोड़ से ज़्यादा है तो आपके ऊपर पाँच परसेंट रेट से सरचार्ज लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का वही रेट है फोर रेट से लगता है अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ समझते हैं कि मैट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है पहले हम एक, एक एग्जांपल के साथ नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं एक कंपनी है जो कि एबीसी कंपनी है उसकी टैक्सेबल इनकम है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 10 लाख रुपए अब इनकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं 10 लाख रुपए है तो इस पे फ्लैट 25% रेट से टैक्स लगेगा ठीक है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट से लगाया तो हमारे निकल के आ गए टू लैख फिफ्टी थाउजेंड हमारी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ गई उसमें हम ऐड करते हैं सरचार्ज सरचार्ज हमारा नील होगा क्योंकि जो हमारी इनकम है वो एक करोड़ से एक्सीड नहीं करी है इसके ऊपर हम लगाएंगे एजुकेशन सेस फो फोर परसेंट से जो होगा टेन थाउजेंड तो हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो निकल के आई है वो आई है टू लैख सिक्सटी थाउजेंड तो ये तो हमने जो कैलकुलेट करी है वो नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी करी है अब मैट प्रोविजन के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल लेकर इसका इसकी टैक्स लाइब्रिटी भी कैलकुलेट करते हैं बुक प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज एज पर सेक्शन 115 सौ पंद्रह जे बी इज फिफ्टीन लैख बुक प्रॉफिट कितना है फिफ्टीन लैख एंड दस मैट एट रेट फाइव फिफ्टीन परसेंट जो मैट का रेट है वो फिफ्टीन परसेंट है जो कि बुक प्रॉफिट पर कैलकुलेट किया जाता है तो हमने कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो टैक्स लाइब्रिटी आई है वो आई है दो लाख पच्चीस हज़ार इसके ऊपर हम सरचार्ज लगाएंगे वो वो आएगा नील क्योंकि जो हमारी इनकम है वो एक करोड़ को क्रॉस नहीं करी है इसके ऊपर एजुकेशन सेस लगाया है फोर परसेंट से जो आया है नौ हज़ार तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी क्या आ गई है एज़ पर मैट दो लाख चौंतीस हज़ार तो हमने पढ़ा था कि हम दोनों तरीके से जो है टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कंपनीज की और जो भी इनमें से हायर होती है वही कंपनीज को एज अ टैक्स लाइबिलिटी पे करनी पड़ती है तो इन दोनों में से हायर है नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी तो जो कि कंपनी को पे करनी पड़ेगी दो लाख साठ हजार रुपए थाउजेंड रुपीज आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा कि जो नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी है वो फ्लैट रेट से कैलकुलेट की जाती है जो भी आपकी टैक्सीबल इनकम होती है उसके ऊपर या तो आपका 25 परसेंट या फिर 30 परसेंट के हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है उसमें सरचार्ज को ऐड किया जाता है अगर एप्लीकेबल है और उसके बाद एजुकेशन सेस को फोर परसेंट से लगाया जाता है और टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकाली जाती है और मैट के अकॉर्डिंग आपको बुक प्रॉफिट के ऊपर पंद्रह परसेंट टैक्स लगाना होता है और अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो सरचार्ज लगाना होता है उसके बाद एजुकेशन सेस फोर परसेंट से लगाना होता है और जो आपके टोटल टैक्स लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू तो मैट प्रोविज़न आती है

इट इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय द फॉलोइंग आइटम्स जो बुक प्रॉफिट है वो क्या होता है जो कंपनी का पी एन एल होता है उसमें जो नेट प्रॉफिट होता है उसको हम उठाते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं उसके अंदर फिर कुछ आइटम्स जो हैं जो कि इंक्रीज की जाती हैं मतलब ऐड की जाती हैं और कुछ आइटम्स हैं जो कि डिक्रीज की जाती हैं मतलब लेस की जाती हैं जिनकी वजह से जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है और अगर हम ऐड करते हैं तो वो प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है वन बाई वन सारे आइटम्स को पढ़ते हैं कि कौन कौन से जो आइटम्स हैं वो ऐड किए जाते हैं और कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि लेस किए जाते हैं पहले शुरू करते हैं इंक्लूजन टू नेट प्रॉफिट इफ़ डेबिटेड टू पी एन एल अकाउंट कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि कंपनीज अपने पी एन एल अकाउंट के अंदर डेबिट कर देती है बट एक्चुअल में वो होने नहीं चाहिए इसलिए हम उनको दोबारा से प्रॉफिट के अंदर प्लस कर देते हैं पहला आइटम है इनकम टैक्स पेबल अगर कंपनी ने कोई भी इनकम टैक्स पेबल करा है तो उसको दोबारा से हम बैक कर देते हैं दूसरा है अमाउंट कैरी टू एनी रिजर्व अगर कंपनी कोई भी रिजर्व के अंदर पैसा डालती है तो ऐसा करना इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं है इसलिए अगर कंपनी ने कोई भी पैसा रिजर्व के अंदर डाला है तो उसको दोबारा से हम नेट प्रॉफिट के अंदर एडबैक कर देते हैं बट इसमें एक एक्सेप्शन है अगर कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पैसा डालती है तो उसको हम लेस रहने देते हैं उसको दोबारा से एडबैक नहीं करते हैं सिर्फ एक यही एक्सेप्शन है अगर कंपनी ने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर पैसा डाला है तो उसको हम एडबैक नहीं करेंगे उसके अलावा अगर कंपनी ने किसी भी रिज़र्व के अंदर पैसा डाला है तो उसको हम प्रॉफिट में दोबारा ऐडबैक कर देंगे तीसरा आ, तीसरा आइटम है प्रोविज़न फॉर असर्टिन लाइब्रिटी अगर आपने कोई भी असर्टेन लाइब्रेटी के लिए प्रोविज़न बनाया है तो वो भी अलाउड नहीं है उसी जितने भी अमाउंट से आपने प्रोविज़न uh, बनाया है उसको हम दोबारा से एडबैक कर देंगे नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी अगर कोई जो कंपनी है वो अपनी सब्सिडरी कंपनी के लॉस के लिए प्रोविज़न बना लेती है तो उसको भी हम ऐडबैक कर देते हैं वापस प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स इसको भी एडबैक कर देते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन आपने फ्यूचर में डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कोई प्रोविज़न बनाया हुआ है कि हम फ्यूचर के अंदर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसके लिए आपने अभी से ही प्रोविज़न क्रिएट कर दिया है तो वो जो पैसा है वो अलाउड नहीं है प्रोविज़न्स में डालना इसलिए आप उसको भी दोबारा से नेट प्रॉफिट के अंदर एडबैक कर देंगे नेक्स्ट पॉइंट अगर आपने के के लिए कोई provision बनाया है तो उस पैसों को दोबारा से अंदर कर दो। अगर कोई भी इनकम है जो कि आपको रिसीव होती है अंडर सेक्शन टेन के अंडर तो वो इनकम है ना वो एग्जाम होती है इनकम टैक्स से तो अगर जिस इनकम के ऊपर आपका टैक्स नहीं लग रहा तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस के ऊपर भी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी इसलिए जो भी एक्सपेंडिचर है उनको हमने जो पी में डेबिट किया होता है उसको हम दोबारा से एडबैक कर देते हैं और लास्ट पॉइंट है अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड और प्रपोज डिविडेंड अगर आपने कोई भी अमाउंट एज अ डिविडेंड पे किया है या प्रपोज डिविडेंड किया है तो उस अमाउंट को भी हम ऐडबैक कर देते हैं तो ये सारी आइटम्स है जिनको हम एडबैक कर कर हमारे नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं ठीक है अब ये सारे आइटम्स हैं जो कि हम नेट प्रॉफिट में से लेस कर कर उसको डिक्रीज करते हैं पहला आइटम है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व और प्रोविजन इफ क्रेडिट टू पी अगर कोई भी अमाउंट आपने विड्रॉ करा है तो उसको हम लेस कर देते हैं अपने नेट प्रॉफिट में से इनकम विच आर एग्जैम्पेड अंडर सेक्शन टेन ट्वेल्व इलेवन अगर ऐसी कोई भी इनकम है जो कि एग्जैम्ट है आपके इनकम टैक्स से और स्टिल आपने नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दी है तो उसको भी हम लेस कर देते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन उसको भी हम लेस कर देते हैं इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट चार्जेबल अंडर सेक्शन एक डबल बी एफ अगर आपको रॉयल्टी से कोई भी इनकम रिसीव हुई है तो उसको हम नेट प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं टैक्स अमाउंट अगर आपने क्रेडिट कर दिया है तो उसको हम नेट प्रॉफिट में से लेस कर देंगे अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एओपी और बीओपी ऑन विच एसएससी हैज पेड टैक्स एट मिनिमम मार्जिनल रेट अगर आपको एओपी या बीओपी से कोई भी इनकम मिल रही है और उसके ऊपर आप ऑलरेडी मिनिमम मार्जिनल रेट से टैक्स पे कर चुके हैं तो जो वो है आप उसके ऊपर दोबारा टैक्स पे नहीं करोगे इसीलिए उसको हम नेट प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट अगर आपके कोई सिक इंडस्ट्रियल यूनिट है मतलब जो कॉन्टिन्यू लॉस में जा रही है लेकिन किसी ईयर उनको प्रॉफिट हो जाता है तो उस प्रॉफिट को भी आप अपनी कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर एड नहीं करेंगे उसको हम लेस कर देते हैं तो ये सारी आइटम्स हैं जो कि हमें नेट प्रॉफ़िट के अंदर से लेस करनी होती है और इधर साइड वाली आइटम्स हैं जो कि हमें नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड करनी होती है ये सब करने के बाद हमें क्या करना होता है बुक प्रॉफिट कंप्यूटेड एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 सौ पंद्रह जे बी शुड बी सर्टिफाइड बाई चार्टेड अकाउंटेंट इन फॉर्म नंबर उनतीस बी जो भी आपने बुक प्रॉफिट कम्प्यूट किया है फिर उसको हम सर्टिफाइड कराते हैं चार्टेड अकाउंट से जो सर्टिफिकेशन रिपोर्ट है वो हमें फॉर्म नंबर उनतीस बी के फॉर्मेट में ही मिलती है सर्टिफिकेशन रिपोर्ट शुड बी ऑप्टेन ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग टू अवॉइड एनी पेनल्टी और जो सर्टिफिकेशन रिपोर्ट है वो हमें आई फाइल करने से पहले या उसके ड्यू डेट पर ही साथ में सबमिट करानी ज़रूरी है जिससे आपके ऊपर कोई पेनल्टी ना लगे इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है मैट क्रेडिट ये करते हैं उसके बाद जो हमारा मैट का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा जो मैट क्रेडिट है वो डिफाइन है 115 सौ जे डबल ए सेक्शन के अंडर ये क्या होता है एज वी डिस्कस्ड कंपनी इज लाइबल टू पे हायर ऑफ द नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी जो कि कैलकुलेट होती है ऑन टैक्सेबल इनकम के ऊपर एंड जो मैट कैलकुलेट होता है वो होता है बुक प्रॉफिट के ऊपर वैन मैट फॉर अ कंपनी इज़ ग्रेटर देन इज नॉर्मल टैक्स लेबलिटी द डिफरेंस बिटवीन द मैट एंड नॉर्मल टैक्स लेबलिटी इज कॉल्ड मैट क्रेडिट मैट क्रेडिट क्या होता है मान लो अगर नॉर्मल टैक्स लेबलिटी के हिसाब से जो आपका टैक्स बना है वो बना है दस हज़ार रुपये और मैट के अकॉर्डिंग जो आपका टैक्स बना है वो बना है पंद्रह हज़ार रुपये तो हमने पढ़ा है इनमें से जो भी हायर होता है वही कंपनी को पे करना होता है तो मान लो अगर कंपनी ने पंद्रह हजार पे करा है तो जो मैट क्रेडिट है वो किस तरीके से निकल के आएगा पंद्रह हजार माइनस दस तो जो हमारा मैट क्रेडिट है वो है पांच हजार रुपये निकल के आएगा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ये मैट क्रेडिट निकालने का फॉर्मूला है किस तरीके से निकालते हैं मैट का जो टैक्स आता है माइनस करते हैं नॉर्मल टैक्स ठीक है इसमें से जो भी डिफरेंस आता है उसको हम मैट क्रेडिट बोलते हैं और मैट क्रेडिट आपका तभी निकल के आएगा जब आपका मैट का अमाउंट हायर होगा नॉर्मल टैक्स लाइब्रिटी से सपोज करते हैं टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 1920 इज रुपीज टेन थाउजेंड ठीक है एंड टैक्स लाइब्रिटी कैलकुलेट ऑन बुक प्रॉफिट जो कि मैट के अकॉर्डिंग होता है उससे जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आती है पंद्रह हजार रुपये इन दिस केस मैट इज हायर देन द नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी इज एलिजिबल फॉर मैट क्रेडिट एज पर सेक्शन 115 जे डबल ए ठीक है और जो मैट क्रेडिट है वो किस तरीके से निकला है मैट का अमाउंट पंद्रह हजार रुपये माइनस नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी टेन थाउजेंड रुपीज तो जो हमारा मैट क्रेडिट निकल के आया है वो है पाँच हजार रुपये अब जो मैट क्रेडिट है जो ये पाँच हजार रुपये है इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कैरी फॉर्वर्ड मकानिज़म फॉर मैट क्रेडिट जो मैट क्रेडिट का अमाउंट आता है उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो और उसको कितने साल तक के लिए आप कैरी फॉरवर्ड करते हो ये हम पढ़ते हैं अब कैरी फॉरवर्ड मकानिज़म फ्रॉम मिनिमम आल्टरनेट टैक्स क्रेडिट इज करंटली इन इफेक्ट एज़ पर करंट इनकम टैक्स रूल अब करंट इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग ये हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं

ठीक है और नॉर्मल टैक्स के अकॉर्डिंग हमारे जो टैक्स लेबिलिटी आई थी वो आई थी दस हज़ार रुपये और ये हम बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर नाइनटीन ट्वेंटी की ठीक है तो इस टाइम हमारा जो मैट क्रेडिट निकल के आया था वो कितना आया था पाँच हज़ार रुपये तो उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं बेसिकली इसको यूज़ करने की या कैरी फॉरवर्ड करने की कंडीशन ये है कि जो आप यूज़ कर सकते हो वो उसी ईयर में यूज़ कर सकते हो जब आपकी नॉर्मल टैक्स लेबिलिटी जो है वो हायर होगी मैट से ठीक है हायर होगी मैट से और दूसरी कंडीशन ये है आप उतना ही अमाउंट यूज़ कर सकते हो मैट कर रेट का जो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा फॉर एग्जाम्पल हम असेसमेंट ईयर 20 और 21 की बात करते हैं 20 और 21 में जो हमारा मैट है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लेबिलिटी हमारी आती है पंद्रह हज़ार रुपये और जो टैक् नॉर्मल टैक्स लेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो लाइब्रिटी आती है वो आती है बीस हज़ार रुपये ठीक है तो इस वाले जो असेसमेंट ईयर है इसके अंदर हमारा नॉर्मल टैक्स लाइब्रेटी ज़्यादा है तो जो कंपनी है उसको नॉर्मल टैक्स लाइब्रिटी के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा मतलब उसको बीस हजार रुपये पे करने पड़ेंगे इसलिए यहाँ पर जो एस है ना वो अपने इस मैट मेट क्रेडिट को यूज़ कर सकता है वो यहाँ पर पंद्रह हज़ार रुपये ही पे करेगा और ये बोलेगा जो पाँच हज़ार रुपये मेरे मैट क्रेडिट के थे ना पहले वाले वो यूटिलाइज़ कर लो तो ये टोटल बन के कितने बन जाएंगे हैं बीस हज़ार रुपये इस तरीके से हम मैट क्रेडिट को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हम किस लिए यूज़ कर पाए हैं पहली कंडीशन फुलफ़िल हो गई कि जो नॉर्मल टैक्स लाइब्रिटी है वो मैट से ज़्यादा है और दूसरी कंडीशन जो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस था वो भी पाँच हज़ार रुपये था और हमारे पास मेट कैड में अवेलेबल कितने थे पाँच हज़ार पे इसलिए हमने पूरा का पूरा यूज़ कर लिया अगर मान लो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो अट्ठारह हज़ार रुपये ही है तो अगर मान लो इनके बीच का डिफरेंस है वो तीन हज़ार रुपये ही होता तो हम मेट कैड में से तीन हज़ार रुपये यूज़ कर लेते यहाँ पे और जो दो हज़ार रुपये हैं उसको फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर देते आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो रहा होगा स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ लेना जो मैट क्रेडिट है उसको आप मैक्सिमम 15 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर एग्जांपल जो आपका मैट क्रेडिट है वो आपको जनरेट हुआ था सेवनटीन एटीन में तो आप उसको मैक्सिमम 15 साल मतलब 32 33 असेसमेंट ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आप चाहो तो दो तीन साल में ही उसका यूटिलाइज कर सकते हो पर अगर आपने मान लो वो मैट कैट यूज़ नहीं करा कभी भी किसी भी असेसमेंट ईयर में तो मैक्सिमम आपके पास सिर्फ पंद्रह साल है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए और जो मैट कैट होता है उसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैट क्रेडिट के बारे में थी कि मैट क्रेडिट क्या होता है और उसको हम कितने टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसको अप्लाई करने की दो ही कंडीशंस हैं वो हमने पढ़ लिए हैं अब जो ये मैट का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना थैंक यू फॉर वॉचिंग अस